हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, जो आपको रेलवे में जो है ड्राइवर के लिए जो आपको एडमिशन मतलब उसमें जो आपको जॉब चाहिए तो कैसे क्या करना होता है, किस तरीके से के आपको जो है लेना है और क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊँगा कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे में जो यहाँ पर 2600 चालकों की भर्ती जल्दी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनमें से भी आप एक हो सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी जॉब यहाँ पे लिखी हुई न्यू दिल्ली, ओके, अरविंद सिंह यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें सारी चीज़ें बताएगी, एक न्यूज़पेपर में जो है आपको ये मतलब बताई जाती है सारी चीज़ें, जॉब्स के रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें न्यूज़ आती है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप क्या कर पाएंगे, आप इसके थ्रू जो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो रहता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसमें अप्लाई करना होता है कि आपका जो सारी चीज़ें उसमें डिटेल्स देनी होती है वो फॉर्म को फिल करेंगे और जो है फॉर्म का फीस लगता है उसके बाद फीस पेमेंट करना पड़ता है। ओके, जो भी रहेगा 100-200 जो भी रहेगा वो फीस पे करना रहता है आपको। उसके बाद थ्री स्टेप्स होते हैं उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो लास्ट स्टेप होता है उसमें सारी जो आपको सबमिट करनी पड़ती है क्या क्या सारी चीज़ें उसमें करने के बाद आपका जो है कम्प्लीट हो जाता है और यहाँ पर आप तो वहाँ पर मतलब आप कम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आप यहाँ बताया गया रेलवे बोर्ड के यहाँ पर डॉक्यूमेंट फ्रेंड यहाँ पर लिखा है DFC। ओके, तेज़ रफ्तार से मालगाड़ी यहाँ पर चलने वाली जो यहाँ पे ड्राइवर चाहिए उसमें से 2600 को यहाँ पे भर्ती करने का फैसला किया गया है। बेरोज़गार युवाओं को नए साल में DFC की नौकरी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है और DFC की भर्ती में होने वाले सारे ड्राइवरों को कैंटअप और रॉक कैंटअप के नाम से जाने जाएंगे। ओके, मतलब कैप्टन यहाँ पर जाना जाएगा, ड्राइवर को कैप्टन और कैप्टन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि कबूतर के अंत पर पूर्व DFC पर खुर्जा के बधान कानपुर जो बोलते हैं जैसे बीच के कमर्शियल मालगाड़ियों का परिचालन शुरू होने पर जो यहाँ पे शुरू हो सकती है यहाँ पर जा सकती है। ठीक है, DFC ने जो यहाँ पे फिलहाल जो रेलवे का जो ड्राइवर लेकर मालगाड़ियों को चलने की जो फैसला किया था यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखी हुई सारी चीज़ें कि इसके साथ ही साथ प्रथम चरण में 2600 कैप्टन और कैप्टन की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ओके, इन्होंने बताया है कि आगामी जनवरी से अप्रैल तक का मतलब 2600 में से 50% कैप्टन और को कैप्टन को भर्ती कर ली जाएगी, शेष पदों पर 2020 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे आपको जो है मतलब 2600 जो हैं उनमें से आपको मतलब उनमें से आप भी होंगे एक जो ले सकते हैं इसमें एडमिशन, मतलब इसमें जो है आप अप्लाई कर लेंगे तो आपका जो है जॉब कन्फर्म हो जाएगा। उसमें सेलेक्ट किया जाता है कि जो भी मतलब रहता है यहाँ पर लोको पर पायलट कहलाएँ। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है पायलट कहलाएँ, तो यहाँ पर जो है आपके सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई रहेगी। और तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये चीज़ देखने के लिए आपको जो मैंने बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन कर लेना है, वो ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर जो कुछ भी लिखी हुई है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आपको जो ये ऑफिशियल वेबसाइट लिखा हुआ www.TIPSCY, यहाँ पर आपको ये इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर से ही आपको जो है रजिस्टर करना होगा, फिर फीस पे जो रहता है उस एप्लीकेशन फॉर्म का वो करना पड़ेगा और नेक्स्ट जो है आपको लास्ट स्टेप जो रहता है उसमें सबमिट करना रहता है, उसमें आपकी डिटेल्स आपके कहाँ कहाँ रहते हैं वो सारे देने के बाद आपको जो है कंफर्म हो जाता है, आपका सबमिट हो जाएगा। फिर आपको जो है उसका सिलेक्शन का भी एक आता है, तो वो सिलेक्शन मतलब इसी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा कि सिलेक्शन हो चुका है, आपका हो चुका है, किसी का हो चुका है, तो वो आपको मतलब मिलेगा अगर आप रजिस्टर करते हैं तो। ठीक है, मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलती है, नोटिफाई किया जाता है कि आपको जो सेलेक्ट कर दिया गया है तो आप जॉब में हो चुके हैं, इस तरीके से आपको जो बताया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें बताई गई है। यात्री ट्रेन 17-18 घंटे लेती है, 20 घंटे पहुँचेंगी, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। एक एक 110 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से दौड़ेगी ये ट्रेन जो भी मालगाड़ी है। ओके, कैप्टन को यहाँ पर करना पड़ेगा 1.3 गुना अधिकतम होगा। ओके, सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड
लाइक कीजिए ये वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।